खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं दीपाली और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। रुक करते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने दुनिया को कहा अलविदा। निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में ली अंतिम सांस। लता मंगेशकर के निधन पर पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। सुबह 8:12 पर स्वर कोकिला ने ली अंतिम सांस। शाम को शिवाजी पार्क में होगा लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार। 8 जनवरी से अस्पताल में दी भर्ती लता मंगेशकर। केंद्र सरकार ने लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिन का घोषित किया गया राष्ट्रीय शोक। मिलिट्री वाहन में रवाना होगी अंतिम यात्रा। देश भर के विश्वविद्यालयों में ऑफलाइन होंगे सेमेस्टर एग्जाम। यूजीसी ने एग्जाम आयोजित करने की दी इजाजत। कोविड प्रोटोकॉल का कॉलेज और विश्वविद्यालयों में करना होगा पालन। यूपी विधानसभा चुनाव की बीजेपी ने तैयारी की तेज। आज बीजेपी लोक कल्याण संकल्प पत्र करेगी जारी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लोगों से मांगे थे सुझाव। सीएम योगी रहेंगे मौजूद। स्टार प्रचारकों की सुरक्षा को लेकर चुनाव आयोग सख्त। आयोग ने राज्य में पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के दिए दिशा निर्देश। असदुद्दीन ओवैसी पर यूपी में हुई फायरिंग के बाद जारी किया आदेश। संत रामानुजाचार्य को बड़ा सम्मान। पीएम मोदी ने देश को समर्पित किया 216 फीट ऊंचा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। 5 धातुओं से बनाई गई रामानुजाचार्य की मूर्ति। पंजाब में कांग्रेस के सीएम फेस पर सस्पेंस। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी करेंगे ऐलान। सीएम रेस में चन्नी चल रहे आगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीएम मोदी का जताया आभार। रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्थापित करने पर जताया आभार। हैदराबाद में स्थापित की गई है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। यूपी चुनाव पर बोले कृषि मंत्री जेपी दलाल। योगी मोदी के काम से संतुष्ट लोग। कमेटी बनाने वाले किसान हैं चुनाव में व्यस्त। हरियाणा के किसान सरकार से खुश। राम रहीम की पैरोल को लेकर बोले हरियाणा के जेल मंत्री रंजीत चौटाला। कहा राम रहीम को भी पैरोल मांगने का मौलिक अधिकार। पैरोल पर बाहर आने के बाद सुरक्षा देना गृह मंत्रालय का काम। पानीपत में जिला कष्ट निवारण समिति ने की बैठक। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में हुई बैठक। इस दौरान करीब 15 शिकायतों पर हुई सुनवाई। 9 शिकायतों का हुआ समाधान। 3 शिकायतों पर कमेटी गठित। बल्लभगढ़ में खाद के लिए अब किसानों को नहीं होना पड़ेगा परेशान। इफको सेंटर के अधिकारी अजीत यादव ने दी इसकी जानकारी। कहा गोदाम में खाद्य भरपूर मात्रा में उपस्थित। कालावली में किसानों को मुआवजा मिलने से अन्नदाताओं में खुशी की लहर। कालावली को 701 करोड़ से ज्यादा की राशि हुई अलॉट। करीब 74 एकड़ खराब फसल के जारी की गई राशि। पानीपत में कोहरा बना। कोहरा नामुंडा नहर में गिरी ऑल्टो कार। हादसे में एक की मौत। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर शुरू की कार्रवाई। रेवाड़ी में मुंडनवास हत्याकांड मामले में पुलिस को मिली सफलता। 20,000 का 5वां इनामी आरोपी गिरफ्तार। आरोपी की पहचान गांव मुंडनवास कमालपुर निवासी विनोद उर्फ बिन्नी के रूप में हुई। कुरुक्षेत्र में भ्रूण लिंग जांच के धंधे का भंडाफोड़। अल्ट्रासाउंड मशीन को किया गया सील। महिला डॉक्टर मौके से हुई फरार। तलाश में जुटी पुलिस। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कालका हलके का किया दौरा। कई गांव में पहुंचकर सुनी लोगों की समस्याएं। मीडिया से बातचीत के दौरान चौटाला ने कहा युवाओं के सपने साकार करना हमारा सपना।
सोनीपत में किसान की बेरहमी से हत्या। जानकारी के मुताबिक तीन युवकों ने किसान पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लेकर शुरू की कार्रवाई। हबीबगंज भोपाल रेलवे स्टेशन का नाम बदलने पर सियासत तेज। रोहतक में मीडिया से बातचीत के दौरान बोले केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। कहा, जनता की मांग पर सरकार नीतिगत फैसले लेती है और सरकार को वही करना चाहिए जो आम जन की आवाज हो। बरनाला में 14 प्रत्याशियों को मिला चुनाव चिन्ह, तो वहीं हलका भदौड़ में 13 प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह दिए गए। साथ ही मेहल कला में 12 प्रत्याशियों को भी मिले चुनाव चिन्ह। शिरोमणि अकाली दल ने कोटकपुरा में की रैली। सुखबीर सिंह बादल ने रैली को किया संबोधित। इस दौरान उन्होंने कहा, पंजाब को मजबूत मुख्यमंत्री की जरूरत, आम आदमी पार्टी कर रही लोगों को भ्रमित। मथुरा में सपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने पहुंचे अखिलेश यादव। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, पहले चरण में बीजेपी का होगा सफाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोरखनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी के बाद मचा हड़कंप। पुलिस ने मंदिर के आसपास गाड़ियों की शुरू की जांच। लेडी डॉन नाम के ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक आए तीन ट्वीट। सहारनपुर में बहुजन समाज पार्टी ने किया रैली का आयोजन। बसपा सुप्रीमो मायावती ने रैली को किया संबोधित। इस दौरान मायावती ने जनता से अपने पक्ष में वोट डालने को लेकर की अपील। पुलिसकर्मी रहे तैनात। जैसलमेर में 13 से 16 फरवरी तक मरु महोत्सव का आयोजन। सफल आयोजन के लिए तैयारी की शुरू। उम्मीदों की नई उड़ान की थीम पर लगेगा मरु मेला। जयपुर में आज से कांग्रेस का दो दिवसीय चिंतन शिविर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी अजय माकन समेत पार्टी के कई मंत्री और विधायक रहेंगे मौजूद। शिविर में सरकार के 3 साल की उपलब्धि पर होगी चर्चा। जैसलमेर में बीजेपी नेता आईदान सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस दौरान उन्होंने बजट को लेकर की टिप्पणी। कहा, केंद्र ने बजट में सभी वर्गों का रखा ध्यान। तकनीकी शिक्षा एवं जनजातीय मंत्री डॉक्टर रामलाल मरकांडे ने कुल्लू में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौल स्पीति में हवाई पट्टियां बनाने की कही बात। साथ ही कहा कि विश्व का उम्दा पर्यटन स्थल उभर कर आएगा लाहौल स्पीति। हिमाचल में बर्फबारी के बाद फील्ड में उतरा लोक निर्माण विभाग। युद्ध स्तर पर चला बिजली आपूर्ति की बहाली का काम। एक ही दिन में 28 सड़कें की बहाल। नालागढ़ में पेंशनर और सीनियर सिटीजन एसोसिएशन ने की बैठक। प्रधान नरेश घई ने की बैठक की अध्यक्षता। पेंशनरों और सीनियर सिटीजन की समस्याओं पर की चर्चा। साथ ही सरकार से जल्द समाधान को लेकर की अपील। सोलन में बारिश और बर्फबारी से भारी नुकसान। 1 करोड़ से ज्यादा का हुआ नुकसान। 30 के करीब बसों के रूट बाधित। बिलासपुर में 2 दिवसीय बसंत पंचमी मेले का समापन। श्रद्धालुओं ने लिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा। जगह जगह पर पुलिसकर्मी रहे तैनात। बाजपुर के बरहैनी गांव में आप प्रत्याशी सुनीता टमटा ने किया प्रचार। लोगों से अपने पक्ष में वोट डालने को लेकर की अपील। साथ ही आम आदमी पार्टी कार्यालय का भी किया शुभारंभ। भारत की लताड़ के बाद भी नहीं सुधरा पाकिस्तान। फिर अलापा कश्मीरा। कहा, कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं हमारे दिल। फिलीपींस में रूस के दूतावास में लगी भीषण आग। 20 लाख डॉलर से ज्यादा का हुआ नुकसान। कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। उत्तर कोरिया की तरफदारी करता नहीं थक रहा चीन। तनाव कम करने के लिए अमेरिका को दी नसीहत। का थोड़े और कदम उठाओ।
अमेरिका का बड़ा कदम, परमाणु समझौते पर महत्वपूर्ण चरण में पहुंची बातचीत, ईरान को प्रतिबंधों से दी राहत। नासा के अंतरिक्ष यात्री मार्क वेंडे ने अंतरिक्ष में पूरे किए 300 दिन, 30 मार्च को पृथ्वी पर लौटेंगे, करेंगे लैंडिंग। सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले शख्स होंगे मार्क वेंडे। पांचवीं बार अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियन बनी टीम इंडिया, फाइनल में इंग्लैंड को 4 विकेट से दी मात। दिनेश बाना समेत ने धोनी के स्टाइल में दिलाई जीत। टीम की तरफ से अंगद बावा ने भी निभाई अहम भूमिका, 31 रन देकर झटके 5 विकेट। प्लेयर ऑफ द मैच भी बने अंगद बावा। अंडर 19 का खिताब जीतने वाली टीम इंडिया के खिलाड़ियों पर बीसीसीआई ने की पैसों की बारिश। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ट्वीट कर दी इसकी जानकारी। टीम के सदस्यों को 40 लाख और सहयोगी स्टाफ को 25 लाख रुपए की मिलेगी इनामी राशि। भारत और वेस्टइंडीज का पहला वनडे आज, 1000वां वनडे खेलने वाला पहला देश बनेगा भारत, बतौर फुल टाइम कैप्टन रोहित शर्मा की पहली सीरीज। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे के लिए भारतीय टीम में 2 नए खिलाड़ी शामिल, ईशान किशन और शाहरुख खान को मिला मौका। बीसीसीआई ने की इसकी पुष्टि। अभिषेक बच्चन ने शुरू की फिल्म घूमर की शूटिंग, एक्टर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी इसकी जानकारी। आर बल्की कर रहे फिल्म को डायरेक्ट, फिल्म को लेकर फैंस में उत्साह।